الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, आपकी इस बस्ती के मुअज्जज़ अहबाब, इस जलसा कमेटी के अहम जिम्मेदारान, नीमा डिस्ट्रिक्ट कटिहार और उसके अतराफ़ो अकनाफ से आए हुए तशरीफ़ लाए हुए मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, प्यारी माँ और बहनों, कौमों मिल्लत के लायकवर नौजवानों, मुस्तकबिल के होनहार अजीज बच्चों, ग्यारह अप्रैल
2021 को आपने अपनी इस बस्ती में, अपने इस गांव में दोबारा प्रोग्राम का इनेकाद किया है। एक प्रोग्राम आप इससे पहले कर चुके हैं और आनंद फानंद बहुत ही जल्दबाजी में आपने एक दूसरा प्रोग्राम भी मुनाकिद किया। इससे पहले वाले प्रोग्राम में कुछ गलत फहमियों की बुनियाद पर शिरकत नहीं हो सकी, या यूं कह लीजिए कि जिस तारीख में आपने प्रोग्राम रखा था उस प्रोग्राम की तारीख का इल्म मुझे कतई नहीं था। कुछ गलत फहमियां हुई, उसको दोबारा छेड़ना और दोबारा उस पर बहस करना मुनासिब नहीं। दोबारा तारीख मुझसे ली गई, मैंने आज की 11 अप्रैल की तारीख फिक्स की और अल्हम्दुलिल्लाह अपनी मुतय्यना तारीख पर मैं हाजिर हुआ। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि बारे अल्लाह दीनी जलसों में जो बातें कही गई हैं और कही जाती हैं, अल्लाह ताला हमें और आपको सबको उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। इस वक्त हमारे मुल्क के हालात नागुफ्ता भी है। अमन और शांति को ख़त्म करने की प्लानिंग और मंसूबे हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम भाईचारे को ख़त्म करने की नापाक साजिशें हो रही हैं। ज़रूरत है इन हालात के अंदर मानवता का दर्श देने की, इंसानियत का सबक पढ़ाने की। बहुत से लोग अपनी जबान से ये कहते भी हैं कि हमारा सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मैं ये कहता हूं कि हम जिस मजहब के फॉलोअर हैं और जिस मजहब के हम पैरोकार हैं, वो मजहब इंसानियत का सबसे बड़ा आलम बदार है, इंसानियत का सबसे बड़ा पाठ सबक अगर किसी मजहब के अंदर मिलेगा तो वो मजहबी इस्लाम है। अगर लोग घृणा और नफरत की चादरें उतार कर नफरत और घृणा के का चश्मा अपनी आंखों से उतार कर अगर इस्लाम की स्टडी करें, इस्लाम का मुताला करें, तो कभी ऐसे मंदिरों के पुजारी पैदा नहीं होंगे जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते और बेहूदा जुमले इस्तेमाल करते। अगर कुरान को घृणा और नफरत की
चादर उतार कर और चश्मा उतार कर पढ़ने वाला सच्चे दिल से कुरान करीम को पढ़ेगा तो वो जिंदगी में कभी भी कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान से निकालने की बात नहीं करेगा। जरूरत है, ये वाला इसमें डिस्टर्ब कर रहा है, खोल दीजिए। तो हम भी चाह रहे हैं, जरूरत है इस वक्त कुरान करीम और इस्लाम की तालीमात को बेहतरीन उसलूब और अच्छे अंदाज में गैर मुस्लिमों तक पहुंचाने की। कुरान करीम हमें बताता है कि इंसानियत की इज्जत करो, सिर्फ मुसलमानों की नहीं बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत को ही बाइज्जत बना दिया है। आइए कुरान करीम की हम एक आयत आपके सामने रखते हैं, उससे आप नतीजा निकालिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर मुसलमानों को नहीं पूरी दुनिया की इंसानियत को इज्जत बख्शी है। आयत देखिए, वलकद करमना बनी आदम वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर वरज़क़नाहुम मिनत तय्यिबात वफज़लनाहुम अला कसीरिम मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला। ये चार चीजों पर जरा गौर कीजिए। इसमें पहली चीज, वलकद करमना बनी आदम, अल्लाह ताला ने फरमाया और हमने पूरी बनी नौ इंसानियत को, आदम के हर औलाद को, आदम के हर बेटे को, सारी इंसानियत को मुअज्जज बना दिया, मुकर्रम बना दिया। वलकद करमना बनी आदम, हमने आदम के हर बेटे को इज्जत बख्शी। मौलाना जर्जीस की आप इज्जत करते हैं इसलिए कि वो मुसलमान हैं? नहीं, इसलिए कि वो इंसान। रामचंद्र जी की और प्रेमचंद्र जी की और राकेश की और अर्जुन की भी आपको इज्जत करना पड़ेगी, इसलिए नहीं कि वो हिंदू है, क्योंकि वो इंसान है। दुनिया का कोई मजहब ऐसी तालीम देगा? और ताज्जुब यह है कि जो धर्म, जो मजहब इंसानियत की सबसे अच्छी शिक्षा दे रहा है, आज उसी धर्म को उतना ही ज्यादा मतून किया जा रहा है और निशाना बनाया जा रहा है। कभी नित्यानंद की शक्ल में कोई उड़ता है और कभी हमारे ही आस्तीनों में सांप पाले जाते हैं और उनके सामने हड्डियां डालकर हम ही में से किसी को कुरान करीम के खिलाफ जहर उगलने के लिए पाला और पोसा जाता है और परवान चढ़ाया जाता है। वलकद करमना बनी आदम, हमने बनी आदम को मुकर्रम बनाया, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया, सब इज्जत के लायक है। वहमलनाहुम फिल बर्री वल बहर, और आदम के हर बेटे को, हर इंसान को हमने खुशकी और तरी में सवार किया, हमने उनको सवारियां अता फरमाई, जमीन पर भी और समंदर के अंदर भी। आप देखिए, सिर्फ मुसलमान चलता है क्या सड़क पर? क्या ऊंट का सफर, घोड़े का सफर, खच्चर का सफर, यक्के और तांगे का सफर सिर्फ मुसलमान करता है? नहीं, अल्लाह ने कहा हमने हर इंसान को, इंसान के हर बेटे को, आदम के हर बेटे को हमने सवारियां दी हैं, खुशकी में
फोर व्हीलर अगर आपके पास है तो उनके पास भी है, बाइक आपके पास है तो उनके पास भी है, हवाई जहाज का सफर अगर मौलाना जर्जीस करते हैं तो अशोक कुमार भी करता है, रामचंद्र भी करता है, राकेश भी करता है। हमने खुश्की में भी सवारियां दी हैं और हमने तरी में समंदर के अंदर भी पानी के बड़े बड़े जहाजों में कश्तियों में हमने आदम के बेटों को सवारियां अता फरमाई हैं। हिंदू और मुसलमान की कैद नहीं, सबको। वरज़क़नाहुम मिन अत्तय्यिबात, और हमने उनको पाकीजा रिज़्क दिया है, पाकीजा रिज़्क, अच्छा तैयब रिज़्क। सिर्फ मुसलमानों को नहीं, जो गेहूं तुम खाते हो वो गेहूं यहूदी भी खाता है, ईसाई भी खाता है, जो सरसों का तेल आप इस्तेमाल करते हैं हिंदू भी करता है, ईसाई भी करता है, यहूदी भी करता है, बुद्धिस्ट भी करता है। जो पाकीज़ा रिज़्क हमने तुम्हें दिया वो उनको भी दिया, आदम के हर बेटे को दिया, पूरी बनी नौ इंसानियत को हमने अता फरमाया। وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, और हमने बहुत सी मखलूक पर, बहुत सी मखलूकात पर हजरत इंसान को फजीलत दी है, बहुत सी मखलूकात पर हमने इंसान को फजीलत बख्शी है, इंसान को, सिर्फ मुसलमान को नहीं कहा। अल्लाह ने हाथ लगेगा भाई, जब हम चलाएंगे अभी तो स्पीड कम है, जब अपने जोश में आएंगे तो लगेगा, इसलिए कह रहा हूँ पीछे हटके बैठिए, हमारा कोई भरोसा नहीं। एक बार तकी कर रहा था तो बीवी को ही लग गया घर में, सपने में नहीं हकीकत में, प्रैक्टिस कर रहा था मैं कैसे बोला जाएगा, कर रहा था तो लग गया पीछे आ गया, तो हो जाता है भाई। भाई डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस करता है, हम लोग भी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो भूल नहीं जाएंगे। तो मेरे भाइयों सुनिए, हमने बहुत सी मखलूकात पर इंसान को फजीलत दी है, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि मुसलमान को फजीलत दी है, इंसान को फजीलत दी है। इससे बेहतरीन इंसानियत की तालीम दुनिया के किस मजहब के अंदर हमें मिलेगी? इतनी अच्छी तालीम को कभी इंडिया टीवी वाले से कह दो जरा दिखा दो, जी हिंदुस्तान को बोलो जरा दिखा दो, सबकी नानी मर जाएगी। ये नहीं दिखाएंगे, ये दिखाएंगे एक आदमी अगर दाढ़ी वाला, उसके चेहरे पे दाढ़ी, चाहे वो नमाज पढ़ता हो या ना पढ़ता हो, रोजा रखता हो या ना रखता हो, अगर उससे इंसान होने के नाते से कोई गलती हो जाए तो उसको इस्लाम से जोड़कर फौरन दिखाने की कोशिश करते हैं, फौरन। कुरान करीम की आयत बता रही है कि इंसानियत की इज्जत क्या है। इस आयत को फिर से सुनिए और इसके तर्जमे पर गौर कीजिए। وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا, हमने बनी नौ इंसानियत को, हमने बनी आदम को, हमने सारी दुनिया के इंसानों को इज्जत बख्शी है, मुकर्रम बनाया, बाइज्जत बनाया है, और हमने पूरी की पूरी इंसानियत को खुश्की में और समंदर में, जमीन पर भी और पानी में पे, तालाब में समंदर में हमने उनको सवारियां अता फरमाई हैं। हमने बनी नौ इंसानियत को पाकीज़ा रिज़्क दिया है और पूरी की पूरी इंसानियत को बहुत सी मखलूकात पर हमने उनको फजीलत अता फरमाई है। ये पूरी इंसानियत की इज्जत का मसला है। आइए अब कुरान करीम की एक दूसरी आयत हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की इंसानियत को एक खानदान से जोड़ा है, एक खानदान से जोड़ दिया, एक कुंबे और कबीले से जोड़ दिया कि तुम अलग अलग मजहब के मानने वाले तो हो सकते हो लेकिन खानदान तुम्हारा एक है, बाप तुम्हारा एक है, मां तुम्हारी एक है, एक खानदान से जोड़ दिया। या अय्युहन्नास,
इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअरफु इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। हाय संपूर्ण जगत की मानव जाति, हाय सारी दुनिया के इंसानों, तुम सब आपस में भाई भाई हो इसलिए कि हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है। इन खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था, तुम्हारा बाप एक, तुम्हारी मां एक, एक ही मर्द और एक ही औरत की संतान हो तुम, एक ही परम पिता के बेटे हो, तुम्हारा एक ही बाप है आदम, तुम सबकी एक ही मां है हव्वा, उसी को तुम मनु कह लो, आशु कह लो, और तुम्हारी एक ही मां है हव्वा जिसको तुम शत्रुपा कह लो या हव्वती कह लो। हिंदू भाइयों, तुम्हारी किताब में उस पहले मनुष्य का नाम मनु आया है, हमारे यहां उस पहले मनुष्य का नाम आदम आया है। हमने मनु मान लिया है, लेकिन आप आदम मानने के लिए तैयार नहीं हो। आपकी किताब में उस मां का नाम जिसके सब बेटे हैं उसका नाम शत्रुपा बताया गया, हमारे यहां हव्वा बताया गया। हम शत्रुपा मानने के लिए तैयार हैं, हव्वती मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप हव्वा मानने के लिए तैयार नहीं। बताओ, दिलों में गुंजाइश किसके पास है, हमारे अंदर है या आपके अंदर है? हमारी किताब कुरान कहती है, हमारी किताब कुरान अल्लाह का नाजिल करदा कुरान, ईश्वरीय ग्रंथ, ये पवित्र, उसकी पवित्र पंक्तियां, उसकी ये पवित्र पंक्तियां ये कहती हैं कि हाय मानव जाति, हाय मनुष्यों, हाय इंसानों, कहीं के भी रहने वाले हो पूरी दुनिया में, तुम्हारा बाप एक है, हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम सब एक ही मां के बेटे, एक ही बाप के बेटे हो, इसलिए तुम सब आपस में भाई भाई हो। इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्था वजअलनाकुम शुउबन व कबाइला लितअरफु वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल। हां, तुम्हारा बाप एक है, तुम्हारी माँ एक है, लेकिन हमने तुम्हारी बिरादरियां बना दी हैं, हमने तुम्हारी जातें बना दी हैं, हमने तुम्हें शोबे और कबीलों में तकसीम कर दिया है, हमने तुम्हें जात और बिरादरियों में बांटा है, लेकिन कोई जात किसी पर बड़ी नहीं है, कोई जात किसी से छोटी नहीं है, हमने तुम्हें कबीले और बिरादरियों में सिर्फ इसलिए बांटा है लितअरफू, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान लो, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको। मेरा नाम जर्जीस, एक कबीला है, दूसरे कबीले, दूसरे खानदान में भी कोई जर्जीस। अच्छा, आपका नाम जर्जीस? अच्छा, एक जर्जीस आया था, कौन? अच्छा 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 वो खान, अच्छा अच्छा वो अंसारी। ये लीजिए, अब पहचान हो गई। और अगर कबीले और जात और बिरादरियां नहीं बनाई होती तो कोई पहचान नहीं होती। तो अल्लाह ने कहा हमने सिर्फ तारुफ के लिए और पहचान, ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको, सिर्फ पहचानने के लिए तुम्हारी जातें, बिरादरियां, कबीले बनाए हैं। कोई किसी पर बड़ा, कोई किसी से छोटा, ये अगर कहते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो। जहालत की बू है यहां से उठती है। खान ये कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं, और वो ये कहे कि ये बिरादरी सबसे नीची बिरादरी है। सैयद कहे कि मैं सबसे ऊंची कौम हूं और फला बिरादरी सबसे नीची। अगर कोई ये कहता है तो वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल इंसान है। जिहालत की बदबू आ रही है उसके मुंह से, वो कुरान का दुश्मन है, वो इस्लाम का दुश्मन है, वो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन है। वजअलनाकुम शुउबन व कबाइल लितअरफू,
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے مسجد نبی میں کہا تھا، عین البلال، بلال کہاں ہے؟ وہ کہتے ہیں لبیک وسعدیک، میں یہاں ہوں اے اللہ کے نبی. فرمایا اے بلال، ایسا کون سا نیک عمل کرتے ہو، ایسا کون سا اچھا کام کرتے ہو کہ میں نے جنت کے اندر تمہارے جوتوں کی آواز سنی؟ مجھے اللہ نے بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا، ایسا کون سا عمل ہے تمہارا اے بلال؟ اللہ کے رسول نے بلال کے بارے میں کہا، جبکہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ تھا کہ حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کہ ان کا رنگ کوئلے سے زیادہ کالا، حبشیوں نسل